देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश के विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा भी जुटा है। इसी को लेकर पार्टी के खेलों के कार्यक्रमों को लेकर कुरुक्षेत्र के सेक्टर 17 में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार चंद्र भानपुर ने बताया कि पूरे देश में पार्टी द्वारा खेलों को लेकर मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जानी है। इन प्रतियोगिताओं में 16 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के युवक युवतियां भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र में 29 जुलाई तक टीमों का चयन किया जाएगा। 30 तथा 31 जुलाई को कुरुक्षेत्र के गांव अमीन के सुनील स्टेडियम में विभिन्न खेलों के टूर्नामेंट होंगे। सुनील कुमार चंद्रभानपुर ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं से युवाओं की शक्ति को तो प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। 30 तथा 31 जुलाई को कुरुक्षेत्र के गांव अमीन के सुनील स्टेडियम में होने वाले विभिन्न खेलों के टूर्नामेंट के अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक भी पहुंचेंगे। ये जो आज की मीटिंग है सर, ये मंडल स्तर से लेके खेलो भारत मंडल स्तर से लेके सेंट्रल लेवल तक राष्ट्रीय स्तर तक गेम होने हैं। ये इसमें जो युवा खिलाड़ी हैं उनको अपनी प्रतिभा, जो खिलाड़ी किसी कारणवश नहीं खेल पाते या नहीं जा पाते आगे, तो वो खिलाड़ियों निकल के आएंगे। उससे जो टीम जीतेगी, 16 से 25 साल एज है लड़के लड़कियां इसमें दोनों को है, 29 तारीख तक हमारा इसमें टीमों का चयन किया जाएगा। 30 और 31 तारीख को अमीन गांव में सुनील स्टेडियम में ये टूर्नामेंट का आयोजन होगा। जो टीम यहाँ से जीत के जाएगी उसको डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, ये जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये गेम चलाए हैं तो बहुत अच्छी पहल की है। इसमें से भी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और एक अच्छा युवा की जो एक शक्ति है आज के स्वास्थ्य को लेकर, उसको लेकर, गेम को लेकर युवा को आगे जाने का मौका मिलेगा। इस पर ये सर 30 और 31 तारीख को हमने अमीन गांव में सुनील स्टेडियम में इसका आयोजन किया है। मुख्य अतिथि इसमें अपने विधायक जी, अपने चेयरमैन गुरदयाल सुनेड़ी जी, तो इससे अलग जो भी हमें टाइम दे पाते हैं, विधायक पवन सैनी जी के साथ भी बात हुई थी हमारी इस सिलसिले को लेके, तो पवन सैनी जी भी आएंगे इसमें मुख्य अतिथि के रूप में। सुनील चंद्र भानपुर, अमीन मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा।